हेलो हेलो, मेरे पास बहुत दिनों से मैं लाइव नहीं आई थी तो सोचा लाइव कर लूँ, इसीलिए लाइव आई हूँ। पता नहीं कौन कौन आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं जा रही थी छुट्टी करने के, बट मुझे लगा कि बहुत दिन से लाइव नहीं किया तो लाइव आना बनता है। और बहुत ज़्यादा लोग बोलते भी है कि वीकली आइए लाइव, बट मैं नहीं आ पाती हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं वीकली लाइव नहीं आ पाती हूँ। अनिल कुमार जी बोल रहे हैं हाय। हाय अनिल जी, कैसे हैं? वेलकम टू माला आई। अब वो तो बेटा अंदर रखा हुआ, बाद में बेटा। हेलो, बाद में बेटा। यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ है ही नहीं मेरे पास। उसका फूल निकल गया ना, वो पापा को बोले चिपका के लाने के लिए। हेलो, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हेलो जी कृष्णा जी, हेलो, सभी का वेलकम है। मुझे लगा शायद इस टाइम में सब फ्री होंगे, मोस्टली पीपल फ्री होंगे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सही होता है लाइव के लिए। जो भी जॉब वगैरह में जाते हैं होंगे, मुझे लगा कि आज मैं इस टाइम में लाइव आती हूँ, तो बस इसी टाइम में लाइव आई हूँ। आराम से बात भी कर पाऊँगी, उसके बाद अपना मुझे कुछ काम भी है। हेलो, मैं एकदम बढ़िया। अनिल जी आप कैसे हैं? कृष्णा जी आप कैसे हैं? जैसे घर में थी बस वैसे मैं हल्का सा फेस ठीक की हूँ, लाइव आ गई हूँ। ए देवी पूजा जी, कृष्णा का प्रणाम स्वीकार करे देवी आपके चरण। बेटा दो मिनट, उनको बहुत अच्छा सा आवाज़ दो, कुछ देर मतलब बहुत कुछ देर आवाज़ कम रखेंगे तो मैं उस रूम में चली जाऊँगी, लेकिन ठीक है। तो जीवन जी बोल रहे हैं हाय। हाय जीवन जी, कैसे हैं बताइएगा, बस बातें कीजिए। बहुत ज़्यादा बोलते हैं सब लाइव के लिए, तो मैं सोची लाइव आ जाऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ज़्यादा देर के लिए मैं लाइव नहीं आती हूँ। मैं मोस्टली हमेशा 15-20 मिनट, कभी 30-35 मिनट ऐसी लाइव आती हूँ, क्योंकि क्या बात करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। और ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी लाइव आ रही हूँ तो लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उस वक्त आ नहीं पा रहे हैं और मैं बता के नहीं आ पा रही हूँ। हेलो, हेलो हेलो, हाय मैम। फनी बोल रहे हैं हाय मैम। हाय, आप कैसे हैं? लाइक डन, थैंक यू। आशु बोल रहे हैं हाय। हाय, कैसे हैं आप सब? आप लोग कैसे हैं बताइए मुझे। हाय रोजू, प्लीज मैम चैलेंज ब्लॉग विथ गर्ल। मैं ये सब टाइप का कुछ भी वीडियोज़ नहीं करती हूँ, इसके एक्सट्रीमली सॉरी। जो लोग करते हैं आप उनको बोलिए, वो ज़रूर करेंगे, बट मैं नहीं करती हूँ। फाइन डियर, हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे हैं, भगवान का सब अच्छा है। डू अ चैलेंज जी, चैलेंज नो नो नो। गुड इवनिंग जी, गैप चैलेंज, ईटिंग फूड चैलेंज। हाँ ये मैं देखूँगी, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं बहुत तेज़ नहीं खा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, तो इस टाइप का वीडियोज़ नहीं करती हूँ। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉग में कभी होगा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी गोलगप्पा चैलेंज या कुछ होगा तो मैं करूँगी, ठीक है। आप बहुत ही फ्रेश लग रहे हो आज। बस सारा काम वगैरह कर ली घर का, निश्चिंत होकर लाइव आई हूँ, एकदम रिलैक्स होकर, कोई टेंशन नहीं। कैन आई सी बोथ हैंड टुगेदर? यू आर हेल्दी गर्ल, यू कैन डू एनी चैलेंज।
यस मैम, गोलगप्पा चैलेंज वेरी फनी। यस लो बेटा, कट कर लेगा, कट कर लो। विच फेस मॉइस्चराइजर डू यू यूज? जॉय का यूज़ कर रही हूँ मैं अभी तो फिलहाल। पूजा, यू आर वेरी प्रिटी, आई सम टाइम वॉच योर इंस्टा ऑल्सो, थैंक यू। हेलो सूर्यकांत जी, शो योर बोथ मेल नाउ, आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक टू यूट्यूब चैनल। नो नहीं नहीं ऐसा बात नहीं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ। मैं यूट्यूब में एक्टिव हूँ, मैं ब्लॉग डालती हूँ, बट मैं अभी जहाँ रह रही हूँ ना, ये जो जगह है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब मैं यहाँ कैमरा उठाती हूँ, सोचती हूँ ब्लॉगिंग करूँगी, गर्मी की वजह से मतलब, और इतना ज़्यादा परेशानी लगने लगता है मुझे ना कि मैं कर नहीं पाती हूँ वो चीज़। बट ब्लॉग तो मैं डाल ही रही हूँ, जा ही रहा कंटिन्यू। और पड़ी मेरी अभी, जैसे पड़ी को 2 दिन पहले बुखार आ गया था, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ हमेशा, मेरी बेटी मेरे हस्बैंड ठीक रहते हैं तो ही मैं कुछ कर पाती हूँ। और जहाँ तक बात है, लोग बोलेंगे कि अच्छा आपने तो ब्लॉग में वो सब शेयर कर सकते हैं, बट मैं वो सब शेयर नहीं करती। जब मेरी बेटी बीमार रहती है, मुझे वो पता नहीं, मुझे वो दिखाना पसंद नहीं है। हाँ, एक टाइम आएगा जब मैं थोड़ा अचीव कर लूँगी यूट्यूब पे, एक अच्छा मेरा जगह आ जाएगा, जब लोग पसंद करेंगे कि मैं हर कुछ शेयर करूँ, तब मैं ज़रूर वो सारा चीज़ भी स्किप नहीं करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी मैं उस जगह पे नहीं आई हूँ कि अगर मैं बच्चा बीमार है या मेरा हस्बैंड बीमार है या मैं बीमार हूँ तो मैं वो सब शेयर करूँ, तो अभी मैं वो सब शेयर नहीं करती हूँ। समय आएगा जब लोग मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तब मैं हर कुछ शेयर करूँगी, बट अभी तो नहीं करती हूँ। इसीलिए आप अपने हेयर पे स्ट्रेटनिंग कब कराओगी? नहीं कराऊंगी जी, मुझे नहीं पसंद। विच हेयर ऑयल शैम्पू डू यू? मैं अभी एंटी डैंड्रफ एंड एंटी हेयर फॉल का ये यूज़ कर रही हूँ, क्या बोलते हैं आपको, अरे शैम्पू और ऑयल यूज़ करती हूँ उनकी स्किन। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा लाइव ज्वाइन, ऐसा लिख रहे क्या? अरे इंस्टाग्राम क्या बताइए, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि एक सट्टी का मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, लाइव चले जाती हूँ। वो मेरे लिए एक साइड है, मेरा एक टाइम निकाल पाऊँ, अच्छे से टाइम पास हो जाता है मेरा उसके लिए, क्योंकि वहाँ मेरी दीदी लोग हैं, बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं बोलकर। और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा लाइव आती हूँ या कुछ, अभी तो बहुत कम कर दी हूँ। विच सिटी आर यू स्टेइंग? कोलकाता साइड में मैं हूँ, और जो भी कोलकाता साइड के उनको पता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और मैं सिलीगुड़ी की तरफ की हूँ, तो इधर आ गई हूँ तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, वो गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। माय आईडी सेम, माय नेम एंड 323। मैं समझी नहीं आपका बात, मतलब नोज लिप आईज एक्सप्रेशंस ऑल ब्यूटी, थैंक यू। आर यू बंगाली? नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, आई एम नॉट बंगाली, आई एम बिहारी, बट यस आई स्पीक बंगाली, बंगाली नहीं हूँ बट मैं बिहारी हूँ। मेरे नाम से पता चलेगा आप लोगों को, मेरा नाम है पूजा झा, सो झा है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम? नहीं, मुझे ना याद नहीं है, सॉरी मैं नहीं देखी हूँ शायद। इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा लोग आ जाते हैं, आप लोग तो देखते ही होंगे, 22-23 लोग कंटिन्यूसली व्यूवर्स चेंज होते हैं, मतलब वो लोग घूमते रहते हैं ना, तो इस लाइफ से उस लाइफ, तो वहाँ पे इतना, जैसे यहाँ क्या है कि मुझे कोई बोलेगा मैं पहचान लेती हूँ, मैं यूट्यूब के आप लोग, बट वहाँ पहचानना मुश्किल है। हाय डियर, हाय, तो मैं अपनी बेटी को खिला भी रही हूँ और चाय नहीं पी हूँ मैं, लाइट बंद करूँगी तब चाय बनाऊँगी। झा मध्य प्रदेश से भी होते हैं ना? नहीं करो बेटा, आवाज़ नहीं करो, ये तो मैं उतना डिटेल में नहीं बता, मुझे यू आर वेरी फास्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रही हूँ क्या? ये मेरा इंस्टा में भी सब बोलते हैं। न्यू हेयर स्टाइल के बारे में कब वीडियो बनाओगे? तो मैं तो इस टाइप का वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, न्यू हेयर स्टाइल वगैरह, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है न्यू हेयर स्टाइल। मैं जो पहले बनाई हुई भी हूँ कुछ कुछ, वो बहुत मतलब एकदम ज़बरदस्ती का वीडियो बोल सकते हैं आप, क्योंकि मुझे जो मैं
नॉर्मली हेयर स्टाइल्स करती हूँ उसी को मैं दिखाने की कोशिश की। मुझे कोई हेयर स्टाइल वगैरह नहीं आता है, मुझे आप इंस्टा में भी देख सकते हैं, कहीं भी देखेंगे मेरा नॉर्मल ओपन हेयर दिखेगा, चोटी दिखेगा, बस यही दिखता है मुझे, और ज़्यादा कोई हेयर स्टाइल वगैरह नहीं आता है। मैं मोस्टली चोटी में, खुले हेयर में, और जूड़ा छोटा नॉर्मल जो जूड़ा प्लेन लेडीज़ लोग करती है वो जूड़ा बनाती हूँ बस। ओके, टेक केयर डियर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग टू माय रिक्वेस्ट। ओके, जाना अच्छा, रुको ना बेटा, अच्छा लो मिलो। हाय, गुड इवनिंग माय चार्मिंग सिस्टर, जय हिंद, जय हिंद जी, जय हिंद। यहाँ बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, मेरे यूट्यूब में बहुत सारा याद जुड़ा हुआ है, बहुत पहले से मैं यूट्यूब में हूँ, बट हाँ वो जो ग्रोथ मैं सोच रही थी कि मेरे लाइफ में आएगा, मैं ग्रोथ करूँगी, वो हो नहीं रहा है। आई लाइक डन, थैंक यू, हाई मैडम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, थैंक यू मेरी प्यारी बहन, थैंक यू। सो वो ग्रोथ जो मैं खोज रही थी यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, और यूट्यूब पे मैं खराब, और यूट्यूब पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि लोग बहुत अलग टाइप, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि तब देखते हैं। मेरा नॉर्मल लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बेटी है मेरी, हस्बैंड है, बस यही मेरा लाइफ है, बट लोग नहीं उतना सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं। हेयर का लेंथ कितना है, बात करो ना वैसे, चलो खोलो खोलो खोलो। आई एम योर आर्मी ब्रो सिस, ओके आर्मी ब्रो, जय हिंद सर। खोलो, अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। थोड़ा चलिए बाहर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी को कहीं जाना है और उसके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। लाइव करना बहुत ईजी है, मतलब लाइव चला लो, बट क्या होता है कि आप मेरे सास ससुर ये लोग कोई नहीं रहते ना, तो मैं अकेले रहती हूँ, तो मेरी बेटी को कोई तरह का ज़रूरत पड़ता है तो मुझे ही करना पड़ता है, और जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वेरी लवली ब्यूटीफुल सिल्की स्मूथ हेयर, रियली थैंक यू, थैंक यू सो मच। लॉन्ग हेयर क्लिप करो, आपके हेयर दिखाओ, हेयर लेंथ के बारे में बताओ प्लीज़। हेयर लेंथ क्या मैं बताऊँ, बताइए, मेरा लॉन्ग हेयर है जितना है वो आप लोग को मेरा ब्लॉग में दिखता ही है, और हेयर लेंथ के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, नॉर्मली ऑयलिंग करती हूँ और शैम्पू वगैरह करती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं करती हूँ कि बोल सकते ये लगाती हूँ वो लगाती नहीं है। और यहाँ बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है, क्योंकि रीज़न जस्ट इतना है कि यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी के वजह से आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि हमेशा मेरा हेयर अंदर से भीगा हुआ रह रहा है। लाइव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं लाइव भी बंद कर दूंगी। आपके किड को प्यार और आशीर्वाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद मेरी बेटी के साथ बना रहे, यही मेरा मैं सोचती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा फैन से निकली, मेरी बेटी वॉशरूम गई हुई है, आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा मेरे को स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गया है, मतलब एकदम बहुत गर्मी है यहाँ पे। हाय, हाँ बेटा, सब मेडिसिन है बेटा तुम्हारा, मेरी बेटी बीमार जो पड़ी थी, अभी फिर बीमार पड़ गई थी मेरी बेटी, तो बस मैं इसीलिए थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। ये देखिए, अच्छा ये पैरासीटामोल है, उसको दो दिन से मैं दे रही थी, बीमार पड़ जाती है तो मेरा मन नहीं करता, पता नहीं वो यहाँ पे जब से हम लोग शिफ्ट हुए ना, उसको कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा लगा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पानी चेंज, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बच्ची है उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही है,
जय हिंद टू सर। ओके क्या हुआ बेटी को? बेटी को कुछ नहीं, फीवर आया था। हाँ बेटा पूजा नाइस हेयर स्टाइल, थैंक यू। कोई हेयर स्टाइल नहीं है, जस्ट ओपन किया हुआ है हेयर, कोई हेयर स्टाइल तो मैंने नहीं किया हुआ है। अच्छा मैं लाइव पूजा, ये खूबसूरत हेयर मुझको दोगी प्लीज़? नहीं जी, आपके अपने जो है वो आप खुद संभालिए, जो मेरे हैं वो मैं संभाल रही हूँ। सिस लखनऊ इज़ वेरी फॉर दिस डेज, वेरी इज़ अबाउट फॉर टेम्परेचर, ओके अबाउट 43। यहाँ शायद यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा बताइए तो, 44-43 यहाँ का भी है, 44 है शायद। कैसे हैं मैडम? एकदम बढ़िया। पूजा मुझको तुम्हारे हेयर बहुत पसंद आ रहे। बेटा हो गया, आप लोग को जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरी बेटी को मैं लेके मतलब आ रही हूँ वॉशरूम में ना, वो मैं लाइव चालू की हूँ तभी उसको वॉशरूम भी जाना था। अब क्या करें, मैं अकेली हूँ तो उसको संभालती हूँ, काम भी करती हूँ। प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान मतलब क्या, मैं तो जैसी हूँ दिख ही रहा आप लोगों को, थोड़ा कभी मोटी हो जाती हूँ तो कभी थोड़ा पतली हो जाती हूँ, बट मेरी बेटी को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान रहती हूँ, उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो ठीक रहे तो सब बढ़िया ना। पूजा तुम इतनी खूबसूरत गॉर्जियस हो, तुम टीवी सीरियल या बॉलीवुड में काम क्यों नहीं करते? बोलता है ना, क्या बोलूँ मैं, झाड़ पे चढ़ाना वाला मतलब बात मत बोलिए प्लीज़। जो जहाँ है वहीं ठीक है, मैं जहाँ वहीं ठीक हूँ, बट हाँ वो सब करने का किसको शौक नहीं होता, कौन फेमस होना नहीं चाहता है, बट वैसा नहीं है ना, नहीं जा सकते। प्लीज़ अपनी बेटी का भी ध्यान रखना। हाँ मैं ध्यान हमेशा रखती हूँ उसका, बट अभी वो ठीक है, आज उसको फीवर नहीं आया, तो मैं सोची ब्लॉग है नहीं मेरे पास, तो मुझे लगा मैं थोड़ा लाइव कर लेती हूँ, आप लोग के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, तो यही है। बस आप लोग अच्छे से बने रहिए, वो वॉशरूम में अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो आप लोग को फालतू में मतलब 2-3 मिनट रोक दूँगी मैं, आप लोग अच्छे से रहिएगा। प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखा करिए आप लोग, और जो भी यहाँ पे हैं जो अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल मेरा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा कुछ टाइम बहुत क्यूट खूबसूरत गॉर्जियस हो, तुमको कोई भी लेगा टीवी सीरियल में। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच पूजा, तुम चांद का टुकड़ा हो। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे कानों, ओ मेरे हम नवा। हंसी आता है मुझे, क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज का लाइव को यहीं पे एंड करूँगी। मेरी बेटी वॉशरूम में है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग को रोक के मैं वॉशरूम की तरफ जाऊं, तो बस ऐसे ही मैं देखिए कितना ज़्यादा मेरे को स्वेटिंग हो रहा है, मैं बाहर बैठी हूँ। वेरी नाइस सॉन्ग सिस पूजा, काश तुम मुंबई में होती। हाँ ये बात आप बोल के अच्छा किए, काश मैं मुंबई में होती या काश मैं दिल्ली की तरफ होती तो भी शायद मैं कभी ट्राई कर सकती थी ये सब, बट मैं अभी जहाँ हूँ यहाँ से ट्राई करना नहीं है पॉसिबल, और है क्यों नहीं, चाहो जहाँ चाह वहाँ रहा, तो आप अगर जो चीज़ चाहेंगे वो क्यों नहीं कर सकते, बट अभी मेरा वो उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कर नहीं सकती। हर कुछ का एक समय होता है, टाइम होता है, अभी मेरा समय मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के लिए है, और मेरा लाइव मैं एंड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव, कभी और आऊँगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर लेंगे, तो मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग को मेरा लाइव शो होगा और आप लोग मेरे लाइव में आ पाइएगा। पूजा बाय बाय, मुझको गर्लफ्रेंड के पास जाना है। वाह 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 सचिन जी, जाइए गर्लफ्रेंड के पास, जाइए गर्लफ्रेंड को खुश रखिए, हमेशा हैप्पी रहिए, उसको खुश रखिए, वो उसको तकलीफ मत दीजिए बस। मैम आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, स्टिल आई एम अटैच। आई होप आई विल गेट गर्लफ्रेंड लाइक यू। हाँ जरूर, मेरे से बहुत सुंदर। बाय, गुड नाइट, जय हिंद। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हिंद। और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा, देखिए आप लोग फील करिए ना कि मैं कितना ज़्यादा मतलब यहाँ गर्मी है। देखिए आप लोग को कुछ देर में मैं फैन से बाहर हूँ तो क्या हाल हो गया मेरा, मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, बहुत गर्मी है इस वजह से, और बेटी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है,
सो बाय बाय, मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव में, और मेरे ब्लॉग्स आप लोग देखा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, अच्छे से रहिए आप लोग। और मैं यही बोलूँगी, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन हिट कर लेंगे तो मैं जब भी लाइव आऊँगी या कुछ भी तो आप लोगों को शो होगा। ओके, सो बाय बाय।